कहाँ रहती थी पूतना, पूतना का गांव कौन सा है, उस चित्र से आप उस लीला के दर्शन कर पाएंगे। राजा बलि की पुत्री थी रत्नमाला, रत्नमाला ही बाद में अगले जन्म में पूतना बनकर आई हैं। अब सब लोग तो उसको राक्षसी कह के नकार देते हैं, बोले राक्षसी है इसके बारे में हम क्या जाने। लेकिन वो जो खीर खींचा तो वो माँ बन गई। मतलब उनके शरीर को जब जलाया गया तो उसमें से खुशबू आ रही थी, मतलब उनमें से दुर्गंध नहीं आ रही थी। लिखा हुआ है पूतना कुंड, खेचो शीर पूतना मारी और गिर भर धार बहे गिरधारी। पूतना जो कि एक बड़ी कंस की विशाल राक्षसी थी, कंस की दासी थी, कहाँ रहती थी पूतना, पूतना का गांव कौन सा है, पूतना को किस जगह वध किया है और आज 84 कोस परिक्रमा में उसके क्या प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो सभी इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। ब्रज के ऐसे पौराणिक स्थानों के दर्शन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करके आप एक एक व्यक्ति तक पहुंचाइए ताकि ऐसे दिव्य स्थानों के उनको दर्शन हो सकें। ये जो रोड है ये राधा कुंड के लिए जाता है छठीग्रा से, और इसी रोड पर मघेरा वाले हनुमान जी से थोड़ा आगे ये बाटी रोड पड़ता है, ग्राम पंचायत बाटी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहा है, और इसी रोड पे पार करते हुए बाटी गांव पड़ेगा और बाटी गांव से अगला गांव पड़ेगा फेंचरी गांव, जो कि पूतना राक्षसी का गांव है। तो आइए हम चलते हैं फेंचरी गांव की तरफ इन डगर मगरों की ओर से। तो भैया अभी हम आ चुके हैं फेंचरी गांव के बिल्कुल चौक पर, और जैसा कि मैंने आपको अभी पूर्व में बताया कि राक्षसों के कोई मंदिर तो नहीं होते, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि उस स्थान पर जाकर कुछ ऐसे चित्रों के माध्यम से या कुछ ऐसे प्रतीकों के माध्यम से उस लीला का हमें एक मानसिक दर्शन ज़रूर होता है। तो बिल्कुल ये फेंचरी गांव के एक चौराहे पर एक मंदिर है जो कि है तो ठाकुर जी का मंदिर, लेकिन यहाँ पर इस लीला का एक चित्रण करने के लिए एक चित्र बनवाया गया है यहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा। बाकी ऐसी कोई लीला नहीं है, लेकिन उस चित्र से आप उस लीला के दर्शन कर पाएंगे कि ठाकुर जी को जब पूतना ने अपना स्तनपान कराया तो ठाकुर जी ने उसके प्राण यहाँ पर खींचे, तो इस स्थान का नाम खिचरवन पड़ा। ठाकुर जी का जन्म हुआ जन्माष्टमी की रात और ठाकुर जी को गोकुल लेकर गए वासुदेव जी। उसके बाद ठाकुर जी की छठी के दिन ठाकुर जी ने यहाँ पे उत्सव हो रहा था, और उत्सव में कंस को जब ये पता पड़ा आकाशवाणी योग माया जी के द्वारा कि तुझको मारने वाला तो गोकुल में पहुँच चुका है, उसके बाद कंस ने अपनी एक बड़ी विशाल काय राक्षसी, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा आता है कि इतने बड़े बड़े हाथ, इतने बड़े बड़ी विशाल भुजाएं, इतने बड़े बड़े पैर, इतने बड़े बड़े भयावह केश, बड़ी बड़ी आँखें, और बड़ा ही डरावना एक राक्षसी का जो स्वरूप था वो पूतना का था। पर पूतना किसी भी स्वरूप में माया के द्वारा अपना रूपांतर कर लेती थी, तो छठी के दिन एक बड़ी सुंदर स्त्री बनकर वो गई हैं ठाकुर जी के नंद भवन, और इतनी सुंदर लक्ष्मी जैसी कांति वाली स्त्री जब आईं तो यशोदा मैया और रोहिणी मैया देखती रह गईं, उन्होंने उनको रोका ही नहीं, और जब उनको पता चला कि ये नवजात शिशु है और कंस ने मुझे इसे मारने भेजा है, तो अपने स्तनों पे विषैला विष, जिसका पान कर किसी की भी मृत्यु सहजता से हो सकती है, वो उसने अपने स्तनों पे लगा लिया। लेकिन ठाकुर जी ने उसको जैसे ही प्रवेश करता देखा तो अपनी आंखें बंद कर ली और पूतना के दर्शन भी नहीं किए। उसके बाद पूतना ने ठाकुर जी को गोदी में लेकर स्तनपान कराया, ठाकुर जी ने पूरा जोर लगा के शीर खींच लिया, एक संस्कृत शब्द है शीर, जिसका अर्थ होता है प्राण खींच लेना। पूतना थी वो अपने वास्तविक बड़े स्वरूप में आ गई। जब बड़े स्वरूप में आ गई तो उनका जो पूरा विशाल काय शरीर था, ऐसा श्रीमद् भागवत जी में वर्णन आता है कि 6 कोस लंबा शरीर, यानी कि 1 कोस में 3 किलोमीटर, 18 किलोमीटर लंबा, और शायद इससे भी बड़ा ऐसा अनुमानित है कि इतना बड़ा उनका विशाल काय शरीर आकर जिस स्थान पर गिरा उस स्थान का नाम पड़ा खिचरवन, क्योंकि वहाँ पर शीर खींचा तो इसीलिए खिचरवन पड़ा। और ऐसा भी कहते हैं कि ब्रजवासी लोगों ने जो पूतना है उसके शरीर के 18 टुकड़े करे और उन टुकड़ों को जलाया। जब पूतना के सभी अंगों को जलाया गया तो उसमें से सुगंधें आईं, लेकिन जिस स्थान पर उनका शरीर गिरा वहाँ पर उस विशाल काय शरीर को खींच कर लाया गया। एक मान्यता ये भी है कि इसलिए खिचरवन कहते हैं, एक मान्यता है कि शीर खींचा इसीलिए खिचरवन कहते हैं, और उस समय पर नाम था खेचरी, कालांतर में इस गांव का नाम पड़ गया फेंचरी।
है, लेकिन जो पूतना है उसकी लीला जो है वो दूसरे युग से जुड़ी है। जब राजा बलि के समक्ष भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और तीन पग भूमि के रूप में तीनों लोकों को दान में मांग लिया, उस समय पर जब वामन भगवान बलि के महल में प्रवेश कर रहे थे तो राजा बलि की पुत्री थी रत्नमाला, या फिर रत्नावली भी उनका नाम कई जगह पर बताया जाता है। तो रत्नमाला ने उनको देखकर कहा कि इतना सुंदर, इतना सुकोमल ऐसा मेरा पुत्र हो और उसको पुत्रवत प्रेम प्रदान करूं। तो ठाकुर जी ने उसकी वह आकांक्षा अगले युग में इस कृष्ण अवतार में पूरी करी कि उसी प्रकार माता स्वरूप में पूतना ने अपना स्तनपान ठाकुर जी को कराया और जो पूतना है उसका उद्धार भी माता स्वरूप में किया। रत्नमाला ही बाद में अगले जन्म में पूतना बनकर आई हैं और द्वापर युग में ठाकुर जी से ये लीला की है। और उस पूतना के जो प्रमाण हैं, उस पूतना का जो गांव है, उस पूतना के बारे में जिस जगह पे वो पौराणिकताएं हमें सुनने को मिलती हैं, ब्रज 84 कोस में जो स्थान पूतना के नाम से विख्यात है, खिचर वन या फैचरी गाँव, उसके आज इस वीडियो में हम आपको दर्शन कराएंगे और स्थानीय लोगों से उनके क्या भाव हैं ये भी जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो अभी हम हैं पूतना के गांव फैचरी में और यहां पे रहने वाले जो स्थानीय निवासी हैं हम उनसे जानेंगे कि उनका क्या भाव है। राधे राधे जी। राधे राधे सर। ये जो गांव है फैचरी, इसको पूतना का गांव कहा जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए दर्शकों। ये सर, ये पूतना कुंड बोलते हैं इसको, वैसे इसका नाम है खिचर वन। असली नाम जो वेदों में या किताबों में है, जो 84 कोस की परिक्रमा में इसका नाम है खिचर वन, पर लेकिन इसका नाम हो गया फैचरी। पूतना यहाँ पे मरी थी, आगे कुंड है यहाँ पे, वहाँ उसका मतलब पूतना का जो शरीर है वो यहीं पे गिरा था जी। और खिचर वन इस स्थान का नाम हुआ करता था और कालांतर में ये फैचरी पड़ गया। तो कुंड की क्या महिमा है, मतलब कुंड में? कुंड की महिमा ये है कि जब किसी को रोग धोग होता है तो वरदान लगा हुआ है और उसमें कोई स्नान ध्यान कर लेता है, आचमन लेती है, पद 84 कोसी परिक्रमा आती है तो उसमें आचमन लेते हैं उसमें से, और अपने शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। अच्छा जी। हमें जैसा कि पता चला कि वहाँ पे एक मंदिर भी है बड़ा प्राचीन। जी जी, 450 वर्ष पुराना एक मंदिर है। अच्छा। यहाँ पर तो वो उस कुंड की महिमा के कारण मतलब मुरसान के राजा ने इसको बनवाया था। मुरसान के राजा ने बनवाया था 450 वर्ष पहले। अच्छा। ये कुंड की महिमा को? जी, कुंड की महिमा के उसके कोड़ ने कराया था, और जो साधु संत रहते थे उस कुंड की महिमा से। और कोड़ मतलब कुबड़? नहीं नहीं, कोड़ ये थोड़ा मतलब शरीर। अच्छा, हाथ पे चर्म रोग हो गया था उसको, चर्म रोग के कारण फिर वो यहाँ आए। जी, वो आए बाबा से अपने मिले, बाबा ने कहा कुंड में नहाया और अपनी धूनी से मतलब धूनी थी उसको शरीर से लगाओ, तो उनकी काया निरोगी हो गई। फिर अपनी खुशी से उन्होंने मुरसान से आकर के जब ये मंदिर बनवाया था। कि कुंड की जो दशा है वो दयनीय है जी, कुंड बहुत अच्छा नहीं बना हुआ, पक्का कुंड नहीं है, तो कुछ कहना चाहेंगे उस पर? सर, कई बार सरकार से प्रार्थना की है कि इसका कोई निवारण करें। आते हैं कुछ लोग, कुछ नहीं होता है उसमें। आते हैं करवाना दे, करेंगे हर बार यही हो जाता है। अब कुछ खुदाई हुई थी थोड़ी सी, फिर उनकी खुदाई बंद। सारे स्थानीय निवासियों का जो आस्था है वो उस कुंड से जुड़ी है, तो आप कुंड का कहीं ना कहीं जो निर्माण है उसको ज़रूर, मेरी एक रिक्वेस्ट है जो पहुँचे आगे शासन का, अगर कोई व्यक्ति इसको देखता है वीडियो को, तो उसका आप ज़रूर डेवलपमेंट कराएं। वो पूतना है, इसको राक्षसी बतौर लेते हैं सब। राक्षसी बतौर तो लेते हैं, राक्षसी हाँ। तो थी हाँ। लेकिन उसने खीर खींचा था हाँ। उसने फिर कृष्ण भगवान ने उसके माँ का दर्जा दिया था। अच्छा, माँ का दर्जा दिया है, मतलब स्तनपान किया तो वो माँ का दर्जा मिल गया, तो वो राक्षस योनि से मुक्त हो गई उसके बाद। अब सब लोग तो उसको राक्षसी कह के नकार देते हैं, बोले राक्षसी है, इसके बारे में हम क्या जानें? वो राक्षसी तो थी, लेकिन वो जब खीर खींचा तो वो माँ बन गई। और जब जैसे आदमी पे बदबू आ जाती है, उसमें बदबू नहीं आती थी, खुशबू आती थी। अच्छा हाँ, मतलब उनके शरीर को जब जलाया गया तो उसमें से खुशबू आ रही थी, मतलब उनमें से दुर्गंध नहीं आ रही थी। सब लोग यहाँ पे आते हैं पूतना को राक्षसी मानकर। आपको क्यों आना चाहिए इस खिचर वन में या इस फैचरी गांव में? आपको एक कारण बहुत बड़ा मिल गया कि वो कृपा पात्र हो गई, तो वो भी पूजनीय है।
क्योंकि ये सब लीला यही दर दिखाती हैं कि ठाकुर जी जिस पर कृपा कर दें, ठाकुर जी जिसका उद्धार कर दें वो पूजनीय हो जाता है, और जिस स्थान पर वो उद्धार हुआ उसके दर्शन करने जरूरी हैं, इसीलिए ये स्थान 84 कोस में भी आता है। तो आप एक बार जरूर आएं यहाँ पर, और अब हम चलकर आपको उस कुंड के और उस प्राचीन मंदिर के दर्शन कराएंगे जो मुड़सान के राजा ने बनवाया था। गाँव में कुंडों को पोखर भी कहा जाता है हमारे ब्रजधाम में, और पूतना कुंड के नाम से ये बड़ा विख्यात है, जिसके पास ही यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर भी है, और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं लिख रहा है श्री हनुमान जी मंदिर फेचरी। जिस हनुमान जी के मंदिर के बारे में अभी हमें जो स्थानीय लोग यहाँ पे बता रहे थे वही यहाँ दर्शन है। पहले आप दर्शन कर लीजिए, फिर हम आपको पूतना कुंड दिखाएंगे। उसके बाद बड़े प्राचीन यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन हैं, जो उस राजा ने ये मंदिर बनवाया ऐसा यहाँ कहा जाता है। अगर हम मंदिर से थोड़ा सा दाहिनी ओर पर बढ़ेंगे तो यहाँ पे शिवालय भी है, और शिवालय के ही बगल में आप देख लीजिए साफ साफ यहाँ प्रमाणिक और लिखा हुआ है पूतना कुंड, क्योंकि यहाँ पर पूतना की जो लीलाएँ थीं कि जब उसको ठाकुर जी ने उसका उद्धार किया तो उसका शरीर आया, दो मान्यताएँ हैं इसमें भी कि खींच के लाए तो खिचरवन नाम पड़ गया, और आकाश में उड़ने वाली राक्षसी को खेचरी कहा जाता है तो इस ग्राम का नाम उसके नाम से खेचरी पड़ा, कालांतर में ये फेचरी हो गया। तो ये वही उसी पौराणिक और प्राचीन कुंड के दर्शन हैं। एक हमें यहाँ पे स्थानीय माता जी मिली हैं, माता जी राधे राधे। ये एक बात बताओ आप, ये जैसे यह है पूतना कुंड कहो जावे, तो कभी आप यहाँ पे ऐसी अनुभूति पूतना के होने की या पूतना का कोई ऐसा आपको लीला कभी ऐसे देखने को मिली? भैया मैं तो जानता ना, मैं ना देखी परेश देखा कहते हैं भाई बड़े बूढ़े क्या कहते हैं पूतना मजे आए के वो उनके आए के वाले। हाँ मैं सुनो, आपको कब से ध्यान है ये कुंड, कब से आप शुरू से देखा? हम तो आए हैं गांव में जब आई थी जब से ही हैं। और बड़े बूढ़े क्या बताते हैं? बड़े बूढ़े यही कहते हैं कि पक्को है जाए या के घाट बन जाए तो जब जनता नहाले बड़ बड़ी दूरी के आमते हैं घूरियन ने ढक रही हैं घूरियन ने दे रही हैं घूरियन ने ढक रही हैं घूरियन ने दे रही हैं वो घूरिए बंद है जा। मैं तो खूब मोबाइल हाथ में लेके नहीं भले बना ले, मतलब स्वच्छता हो यहाँ पर। एक कुंड का ये निर्माण जैसा आप देख सकते हैं, कुंड अभी बिल्कुल कच्चा पड़ा है और इसमें पैसा ढेला डाल रहे हैं हमें बीछिया लांगी चाहे वैसे वो मन लांगी जैसे भी उठानो धुठानो कर दूंगी बेजा कुंड में डाल जाऊंगी।